ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी भाष्यात्तदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितामृत के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे आदि लीला थर्ड चैप्टर एंड वर्स नंबर सेकंड ऑनवर्ड्स। तो कल हमने इस चैप्टर का शुरुआत किया था और पहला जो श्लोक है, श्री चैतन्य प्रभु वंदे यत्पादाश्रय वीर्यता संग्रनात्यक आकरव्रता अख्या सिद्धांत सन्मणि। इसमें कल चर्चा किया था कि श्री चैतन्य महाप्रभु की मैं ऐसे वंदना करता हूँ जिनके यद पाद आश्रय, जिनके चरण कमलों का आश्रय से प्राप्त शक्ति, यद पाद आश्रय वीर्यता, जो असली शक्ति है किसी को प्राप्त हो सकती है वो भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने से प्राप्त हो सकती है। वही वही वीर्यवान है, वही शक्तिशाली है, उसी के पास बल है जो इस संसार के बंधन से मुक्त हो सकता है। और उपनिषद में भी बताया गया एक वाक्य आया है, नायम आत्मलभ्या नायम आत्मलभ्या बलहीन बलहीनेन, ऐसे करके एक वाक्य आता है कि बलहीनेन, बल के बिना कोई भी व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं कर सकता है। लेकिन वो बल क्या है, यहाँ पे स्पष्ट रूप में बता रहे हैं, यत पाद आश्रय, भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेना ही बल है, वही बल प्रदान कर सकता है। एक फेमस सन्यासी हुए जिन्होंने इस बल को व्याख्या करते हैं शारीरिक बल, इसलिए उन्होंने रिकमेंड किया कि आप नॉनवेज खाइए और जिम जाइए, स्पोर्ट्स एक्सरसाइज करिए, सब कुछ करिए और शारीरिक बल उत्पन्न करिए, क्योंकि उपनिषद में बोला गया है कि जब तक बल नहीं होगा तब तक आत्मा को आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं, यानी आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इतने प्रसिद्ध सन्यासी हैं लेकिन फिर भी इस छोटे से चीज को नहीं समझ पाए कि वहां पे बल जो है शारीरिक बल काम नहीं करेगा। शारीरिक बल अगर होता तो फिर इतने जितने भी WWE वाले हैं जो कुश्ती लड़ते हैं इतना, तो वो सबके सब जो है मृत्यु पे विजय प्राप्त कर लेना चाहिए, आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लेना चाहिए, लेकिन वो नहीं है। शारीरिक बल नहीं, वीर्यता स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, वहां पे आध्यात्मिक बल की बात की जा रही है। कोई भी बच्चा भी समझ सकता है, शारीरिक बल होने से कोई मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, आध्यात्मिक बल की जरूरत है। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है यत पाद आश्रय वीर्यता, वो आध्यात्मिक बल कहाँ से मिलता है, उनके चरण कमलों का आश्रय लेकर के भगवान, तो श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का अगर कोई आश्रय लेता है तो उससे वो शक्ति प्राप्त होगी कि वो सिद्धांत सन्मणि, पूरे वैदिक शास्त्रों के जो निष्कर्ष हैं उसका जो जूल है, जूल रत्न है, दिव्य रत्न जो है कृष्ण भक्ति, उसको प्राप्त कर सकता है। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु को मैं वंदना करता हूँ। और वो कैसे प्राप्त होगा ये इस पूरे अध्याय में इसी का वर्णन होगा। इस अध्याय का नाम है एक्सटर्नल रीजंस फॉर द अपियरेंस ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य का बाहरी कारण, और अगले अध्याय में आंतरिक कारण पर भी चर्चा किया जाएगा, बाहरी कारण क्या है। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। यहाँ से अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं कविराज गोस्वामी। श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य और समस्त गौर भक्त वृंद, समस्त चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की जय कर रहे हैं। यही है परिपाटी, यही है प्रॉपर तरीका कि हम को अगर हम
के बारे में समझना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, हमको भगवान को उनके समस्त जो शक्तियां हैं, विस्तार हैं, और उनके भक्तों को प्रणाम करना चाहिए। इसलिए हर अध्याय के शुरुआत में कविराज गोस्वामी भगवान सहित समस्त उनके भक्त परिकरों को प्रणाम करते हैं, और हर अध्याय के अंत में वापस से अपने विशेष रूप से अपने जो गुरु हैं, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, उनको प्रणाम करते हैं। द्वितीय श्लोकेर अर्थ कैला विवरण, चतुर्थ श्लोकेर अर्थ सुना भक्तगण। तो अब यहाँ पे बता रहे कविराज गोस्वामी, आई हैव गिवन द पर्पोर्ट ऑफ द थर्ड वर्स, तृतीय श्लोकेरा अर्थ कैला विवरण। कैला मतलब कर दिया है मैंने, विवरण कर दिया है, सरल है बंगाली, धीरे धीरे आप अगर सुनेंगे तो वो समझ पाएंगे। तो तीसरे श्लोक का विवरण मैंने कर दिया है। अब चतुर्थ श्लोकेरा अर्थ सुना भक्तगण, चौथे श्लोक का अर्थ आप सब भक्त लोग सुनिए, कृपा करके ध्यान दे, ध्यान से। तो ये कल मैं आपको ऑलरेडी बताया कि तीसरे श्लोक में श्री चैतन्य महाप्रभु परम भगवान है, वो श्लोक कविराज गोस्वामी के मंगलाचरण का तीसरा श्लोक था, और दूसरा अध्याय में वही तीसरे श्लोक का पूरा वर्णन करते हैं, लगभग 120 अपने बंगाली श्लोक प्यार में। और अब जो चतुर्थ श्लोक, चौथा श्लोक है, उसका वर्णन करने जा रहे हैं, जो कि तीसरा अध्याय बनता है, और जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य का बाहरी कारण बताता है। तो ये है चौथा श्लोक। अनार्पित चरिम चिरात करुण यावतीर्ण कलौ, समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम, हरि पुरट सुंदर द्युति कदम बसंती पिता, सदा हृदय कंदरे स्फुरतु सचिनंदन। तो ये कविराज गोस्वामी जो पहले अध्याय में मंगलाचरण अर्पण करते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु को विशेष रूप से प्रार्थना वंदना करते हुए ये श्लोक बोलते हैं, और इस श्लोक में महाप्रभु के अवतार का बाहरी कारण बताते हैं। और बाहरी कारण क्या है? मे द सुप्रीम लॉर्ड हु इज नोन एज सचिनंदन, हु इज नोन एज द सन ऑफ श्रीमती सची देवी, बी ट्रांसेंडेंटली सिचुएटेड इन द इनर मोस्ट कोर ऑफ योर हार्ट, resplendent with the radiance of molten gold, he has descended in the age of Kali by his causeless mercy to bestow what no incarnation has ever offered before, the most elevated mellow of devotional service, the mellow of conjugal love. तो ये बाहरी कारण बता रहे हैं क्या? श्री चैतन्य महाप्रभु, शशि माता के पुत्र श्री चैतन्य महाप्रभु आप सबके पहले आशीर्वाद भी दे रहे हैं कि वो श्री चैतन्य महाप्रभु जो शशि माता के पुत्र हैं, आप सबके हृदय में दिव्य रूप से प्रकट हो जाएं, ऐसा आशीर्वाद दे रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, और बता रहे हैं उनके बारे में कि ऐसे चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में रिस्प्लेंडेंट विद द रेडियंस ऑफ मोल्टन गोल्ड, तप्त कांचन गौरांग, तप्त तप्त मतलब पिघला हुआ सोना जो होता है, जिस कलर का होता है, वैसा कलर है श्री चैतन्य महाप्रभु का, और श्रीमती राधा रानी का भी वैसा ही कलर, मोल्टेन गोल्ड, बहुत ही सुंदर दिखता है। आपने अगर नहीं देखा होगा तो कहीं देख सकते हैं, या ऑनलाइन तो देख ही सकते हैं, ऑनलाइन आप सर्च करिए मोल्टेन गोल्ड और उसका इमेज देखिए, बहुत सुंदर दिखता है। तो उस पिघले हुए सोने के समान आभा रखते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, ही डिसेंडेड इन एज ऑफ कली, इस कलयुग में अपनी अहेतु की कृपा से प्रकट हुए, और क्या करने के लिए, क्या देने के लिए, क्या दान देने के लिए? वो ऐसी वस्तु का दान देने के लिए जो आज तक किसी और अवतार ने वो दान नहीं दिया था, यानी यहाँ तक कि स्वयं भगवान कृष्ण जो परम भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम है, जो कि पूर्ण पुरुषोत्तम ओरिजिनल सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, जो चीज भगवान कृष्ण भी दान नहीं दिए और अन्य कोई अवतार भी दान नहीं दिए, या ऐसी वस्तु जो भगवान के सारे अवतारों के डोमेन से बाहर है, मतलब उनके पास वो दे ही नहीं सकते, कैपेसिटी के बाहर है, कैपेसिटी के बाहर बोल भी सकते हैं, नहीं भी बोल सकते हैं, भगवान तो पूर्ण रूप से समर्थ है, लेकिन भगवान देते नहीं, तो छुपा के रखते हैं, लुकाया या छुपाए, ऐसा आता है कि भगवान किसी को हर प्रकार का ऐश्वर्य दे देंगे, यहाँ तक कि मुक्ति दे देंगे और वैकुंठ भी दे देंगे, है ना, अपना दास भी बना लेंगे,
वैकुंठ हमें भी आध्यात्मिक शरीर भी प्रदान कर देंगे, जैसे नारद मुनि को प्रदान किए। लेकिन भगवान कभी भी अपना जो ब्रज भक्ति है, विशेष रूप से गोपियों के हृदय में जो भगवान के प्रति जिस प्रकार का भाव है, वो भगवान नहीं देते, वो कृष्ण देते नहीं है, या बोल सकते हैं उनके डोमेन के बाहर है, वो उनके पास है ही नहीं, ऐसा बोल सकते हैं, आउट ऑफ स्टॉक है। तो वो चीज जो है श्री चैतन्य महाप्रभु देने के लिए प्रकट हुए, और वो चीज दान करने के लिए भगवान कृष्ण जो है विचार किए कि मेरे तो कैपेसिटी के बाहर है, मेरे पास है ही नहीं, इसलिए वो श्रीमती राधा रानी का भाव लेकर के आए, तब वो सक्षम हुए, समर्थ हुए कि वो चीज मैं दान कर पाऊंगा, है ना। वो चीज क्या है, मेलो ऑफ कॉन्जुगल लव, जो सबसे सर्वोत्तम श्रृंगार रस है गोपियों के हृदय में, जो कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम है, वो चीज दान करने के लिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, और यही उनका बाहरी कारण बनता है। इसको अभी और डिटेल में यहाँ पे वर्णन करेंगे, यहाँ पे श्लोक से हम थोड़ा सा और थोड़ा सीखने का प्रयास करते हैं। अनार्पित अनर्पित चरिन चिरात, अनर्पित चरिन, अनर्पित मतलब नहीं दिया, अर्पण नहीं किया गया है, चरिन मतलब पहले, चिरात मतलब बहुत कालों से, बहुत समय से, कई करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों वर्षों से जिस चीज को अर्पण नहीं किया अभी तक भगवान के किसी भी अवतार में, वैसा चीज अर्पण करने के लिए। करुणयावतीर्ण कलौ, कलौ मतलब इस कलयुग में, करुणया करुणया मतलब करुणावश अवतीर्ण प्रकट हुए, कौन प्रकट हुए, कौन सचिनंदन श्री चैतन्य महाप्रभु, क्या करने के लिए, समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसाम, समर्पयितुम मतलब सम्यक रूपेण अर्पितुम, पूरी तरह से देने के लिए, या पूरी तरह से देने के लिए, या समर्पयितुम का मतलब बोले तो हर किसी को देने के लिए। अब इसमें कोई कंडीशन नहीं, पात्र अपात्र ना विचार है, अवतार है, इस अवतार में पात्र अपात्र को विचार नहीं करने वाले, कंडीशन नहीं लगाने वाले, भगवान कृष्ण कंडीशन लगाए, सर्वधर्मान परित्यज्य, फर्स्ट सरेंडर इन टू मी, देन आई विल फ्री यू फ्रॉम ऑल दिस इन्फ्लिक्ट, पहले मेरा पूर्ण रूप से शरण लो, उसके बाद मैं तुमको सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तो पहली पहला तो देखिए कि भगवान कृष्ण डिमांड तो इतना सारा कर दिए कि पहले पूरा समर्पण करो, और उसके बाद देंगे भी क्या, अपना भक्ति नहीं देने वाले, हाँ ब्रज का भक्ति नहीं देंगे, क्या देंगे, आपको पाप से मुक्त कर देंगे, यानी भौतिक बंधन से आप मुक्त हो जाएंगे, बस इतना ही दे रहे हैं। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि राधा रानी के भाव में आए हैं, तो वो और ज्यादा दयालु हैं, क्योंकि वो डिमांड भी नहीं करते कि पहले पूरी तरह से समर्पण करो, पूरी तरह से सरेंडर हो जाओ, ये डिमांड किए बिना भी अगर कोई उनके पद चिन्हों का पालन, उनके आदेश का पालन करता है, हरिनाम का आश्रय लेता है, उनके आश्रय में रह के हरिनाम का जप करता है, तो श्री चैतन्य महाप्रभु बिना सरेंडर बिना समर्पण किए भी उसको केवल मुक्ति ही नहीं, सर्वश्रेष्ठ जो धन है, कृष्णेर भंडार सर्वश्रेष्ठ धन, कृष्ण प्रेम यही है, कृष्ण प्रेम सर्वश्रेष्ठ धन है, और ब्रज का जो प्रेम है वो प्रदान करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। जगाई मधाई पर्यंत, जगाई मधाई जैसे लोगों को भी श्री चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार का प्रेम प्रदान किया, इसलिए यहाँ पे समर्पयितुम यानी पूर्ण रूप से अर्पितुम करने के लिए उन्नत, और क्या अर्पण करने के लिए, उन्नत उज्ज्वल रस, उन्नत उज्ज्वल, उन्नत मतलब सर्वश्रेष्ठ है, उज्ज्वल मतलब किसी भी प्रकार का मल नहीं है उसमें, किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं है, अंधेरा नहीं है, वो रस इतना दिव्य है और शुद्ध है, और इस रस को प्रदान करने के लिए, इस रस के बारे में जो समझ है, इसको प्रदान, ज्ञान को समझ प्रदान करने के लिए, जो ब्रजवासियों का विशेष रूप से जो गोपियों का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, वो पूरी तरह से पूर्ण रूप से मल रहित है, मल विहीन है, उसमें कोई गंध नहीं है, ये काम का गंध नहीं है इसमें, वो काम वासना बिल्कुल भी उसमें नहीं है। कविराज गोस्वामी आगे चल के इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इसी अध्याय में। तो वो है उन्नत उज्ज्वल रसा, जिस जिस रस को प्राप्त करके कोई भगवान को पूरी तरह से खरीद लेता है, भगवान अपने आप को देकर भी उसके ऋण को चुका नहीं पाते। जब भगवान मथुरा जा रहे थे तो कृष्ण बोलते हैं कि मेरे पास ना पार आए, हाँ मैं आपके जो शुद्ध भक्ति है इसको मैं चुका नहीं सकता हूँ, इस ऋण को, क्योंकि भगवान जब पूतना आई थी, पूतना ने ढोंग करते हुए
माता बन करके दूध अर्पण किया था, तो पूतना का ऋण तो भगवान चुका दिए, क्या करके उसको माँ का दर्जा दे करके, या इनडायरेक्टली बोले तो अपने आप को अर्पण करके पूतना का ऋण तो भगवान चुका दिए। लेकिन ब्रह्मा जी विचार कर रहे हैं कि जहां तक मैं देख पा रहा हूं तो पूतना के ऋण तो आपने चुका दिया अपने आप को दे करके, लेकिन ये ब्रजवासियों के ऋण को तो आप चुका ही नहीं सकते। जहां तक मैं देख पा रहा हूँ आपके पास इतना सफिशियंट बैलेंस है ही नहीं, आपके पास इतना धन है ही नहीं, ऐसा कोई धन ही नहीं है जिसका जिसको आप दे करके ब्रजवासियों के ऋण को चुका सकें, तो आप क्या करेंगे? भगवान भी चुप रहे, कुछ बोले नहीं, क्योंकि सत्य बात है चुका ही नहीं सकते। इसलिए भगवान केवल इतना ही बोले कि आप अपने जो मेरे प्रति जो शुद्ध प्रेम है उसी से आप संतुष्ट रहिए, मैं इसको चुका नहीं सकता हूँ ऋण। तो वो जो विशेष प्रकार का ऐसा जो शुद्ध प्रेम है जो लक्ष्मी जी के लिए भी दुर्लभ है, माता लक्ष्मी के हृदय में इच्छा हुआ कि मैं भी गोपियों के जैसा जो शुद्ध प्रेम है वो विकसित करूँ, वो भी प्राप्त करूँ। हाँ, क्योंकि इतना गुणगान है गोपियों का, वो तो साधारण सिंपल कावर्ड गर्ल्स हैं, लेकिन लक्ष्मी तो इतनी ऐश्वर्यवान, उनके पास इतनी सुंदरता है, ऐश्वर्य सब कुछ है, लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण उनके प्रति जरा भी आकर्षित नहीं होते हैं, उनको देखते भी नहीं, लेकिन वो भगवान निरंतर स्मरण करते रहते हैं ब्रज ब्रज के गोपियों को, ब्रजवासियों को। तो उनके हृदय में इच्छा उत्पन्न हुआ मैं भी वो प्रेम को प्राप्त करूं, तो वो प्रेम को प्राप्त करने के लिए भरसक प्रयास किया उन्होंने, हजारों हजारों साल तपस्या भी किया, भजन भी किया, साधन किया, लेकिन फिर भी वो मिला नहीं है ना। आज भी उनके पास ये प्रेम जो है ब्रज का प्रेम अवेलेबल नहीं है, उसका क्या कारण है? श्री चैतन्य महाप्रभु आगे जब साउथ इंडिया टूर में जाएंगे वेंकट भट्ट से डिस्कशन में ये कारण को बताते हैं, तो वहां पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन कहने का मतलब है कि जो चीज लक्ष्मी जी के लिए भी दुर्लभ है वो श्री चैतन्य महाप्रभु आए दान करने के लिए, किसको? इस संसार के सबसे पतित पतित लोगों को भी देने के लिए। इसीलिए ये जो अवतार है बहुत विशेष अवतार है, यूनिक अद्वितीय अवतार है, ऐसा अवतार न भूतो न भविष्यो, न पहले कभी हुआ था और न हो सकेगा ऐसा अवतार, इसलिए बड़ी विशेष बात है। ये है बाहरी कारण का एक, इसमें उन्नत उज्ज्वल रसाम समर्पय तुम स्वभक्ति श्रियम, और वो जो रस है वो अपनी ही भक्ति से परिपूर्ण है, स्वभक्ति श्रियम हिज ओन सर्विस द ट्रेजर ऑफ हिज ओन सर्विस। और ऐसे हरि ही पुरत सुंदर द्युति कदम्ब संदीपिता, ऐसे हरि है वो हरि ही, हरि मतलब भगवान कृष्ण ही है, और पुरत सुंदर द्युति कदम्ब संबीत संदीपिता, उनका जो शरीर है दिव्य शरीर है वो पिघलते हुए सोने की भांति अत्यंत चमकदार है, सुंदर है, प्रतीत होता है, ऐसे भगवान श्री सचिनंदन गौर हरि, इसलिए उनका नाम हुआ गौर हरि, गौर हरि नाम भी पड़ा क्योंकि गौर वर्ण के। तो कविराज गोस्वामी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना करते हुए हम सबके बिहाफ में सबके लिए बोल रहे हैं, सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वह सचिनंदना, वह मतलब हमारे हम सबके हृदय में भगवान श्री सचिनंदन सदा मतलब हमेशा के लिए हमारे हृदय रूपी गुफा में प्रकट हो जाए। है ना, तो यानी जो भी भक्त है, इसका कहने का मतलब है कि अगर जो भी भक्त केवल इस चैतन्य चरितामृत ग्रंथ का श्रवण या पठन करता है तो केवल ये करने मात्र से वो कविराज गोस्वामी जो महान आचार्य हैं, शुद्ध भक्त हैं, उनका आशीर्वाद को प्राप्त करेगा, और श्री चैतन्य महाप्रभु विल बी फोर्स टू अपियर इन दियर हार्ट्स। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बलपूर्वक ही विल बी फोर्स, मतलब उनको आना ही पड़ेगा ऐसे भक्त के हृदय में विराजमान होने के लिए जो चैतन्य चरितामृत ग्रंथ का श्रवण या पठन करते हैं। ये इसका एक आशय है। कविराज गोस्वामी सारे जितने भी रीडर्स, वह मतलब वह शब्द सूचित करता है, वी मतलब हम सब, वह मतलब होता है कि जो ये ग्रंथ को लिख रहे हैं, जो इस ग्रंथ को पढ़ने वाले हैं, जो इस ग्रंथ को श्रवण करने वाले हैं, या जो इस ग्रंथ पे कथा करने वाले हैं, सबके लिए इक्वल बराबर फल जो है निर्धारित कर रहे हैं, और वो है श्री चैतन्य महाप्रभु उनके हृदय में प्रकट हो जाए, इस प्रकार की कामना करते हुए इस अध्याय को प्रारंभ कर रहे हैं। अब आगे के श्लोक में पूरा वर्णन करने वाले हैं कि कैसे भगवान कृष्ण जो है दया करके श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप को स्वीकार करते हैं।
और सबको अपनी ही शुद्ध भक्ति प्रदान करने के लिए अवतरित। तो हम लोग कल चर्चा करें। हरे कृष्णा। अभी समय हो गया, आप में से किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो 2 मिनट है, एक दो प्रश्न ले सकते। यस हरे कृष्णा, किसी का कोई प्रश्न है? जी तो जी, जैसे गौरांग महाप्रभु के आने के बाह्य कारण है, तो क्या हम सरल भाषा में कह सकते कि महाप्रभु जो है तो जस्ट एक भगवान का संकीर्तन प्रदान करने के लिए, आंतरिक कारण जो प्रेम है, ब्रज का भाव है और भी एक, तो उसमें मैं नहीं जाना चाहता। तो क्या सरल कि हम सब जीवों को उद्धार करने के लिए कृष्ण कीर्तन के माध्यम से कृष्ण नाम दे करके और कृष्ण प्रेम देना चाहते हैं? हाँ, ये जो बाहरी कारण है ये इसमें वो आता है ब्रज का प्रेम देने के लिए। बाहरी कारण इसलिए बोला गया है कि बाहरी लोगों को क्या देने के लिए आए हैं हम, इसलिए बाहरी कारण बोला गया है। और उसमें कुछ कमी नहीं कर रहे हैं, उसमें जो पूर्ण सब सर्वश्रेष्ठ जैसे आपके वर्णन है, उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रेयाम समर्पय तुम, वो देने के लिए ही महाप्रभु आए हैं। सर्वश्रेष्ठ धन जो गोलोक एर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, वो जो सर्वश्रेष्ठ धन है ब्रज गोपियों का, जो शुद्ध प्रेम है, वही वास्तव में हरि नाम संकीर्तन है, हरे कृष्ण महामंत्र है, वही चीज है, वही वस्तु है। लेकिन इस महामंत्र को कोई श्री चैतन्य महाप्रभु के आश्रम में रह के, उनके भक्तों गौर भक्त वृंद के आश्रम में रह के जब करेगा तब वो उस ब्रज के प्रेम को प्राप्त कर सकेगा। तो इसलिए बाह्य कारण बोला गया है, क्योंकि ये बाहरी हम सबको देने के लिए आए हैं। और आंतरिक कारण जो अगले अध्याय में आएगा उसका मतलब है कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु खुद आस्वादन भी करना चाहते थे, तो खुद आस्वादन करने के लिए जो आए तो उसको आंतरिक कारण बोला गया। तो ये दोनों कारण से आया, यानी बाहर भी हम सबको वही शुद्ध प्रेम देने के लिए और साथ में खुद भी वो आस्वादन करने के लिए। ये विशेष बात है इस ब्रज प्रेम की, यानी वो ये हरिनाम संकीर्तन की विशेष बात है कि जो देने वाला है वो खुद भी ललायत रहता है उसको जो है आस्वादन करने के लिए। हाँ, इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा, जैसे अगर किसी का मिठाई का दुकान है, बहुत सारा मिठाई है, तो उसको मिठाई खाने में फिर टेस्ट नहीं आता है, वो खाता ही नहीं, वो बस देता है केवल। या किसी भी व्यक्ति का किसी भी चीज का दुकान है तो वो उसको फिर वो चीज यूज करने में आनंद नहीं आता है। लेकिन ये प्रेम धन, कृष्ण प्रेम धन इतना विचित्र है वस्तु है कि जो देने वाले दाता है यानी स्वयं चैतन्य महाप्रभु है, तो वो देना भी चाहते हैं और उनके हृदय में खुद इतना लालसा भी है इसको आस्वादन करने का। तो जो हृदय में लालसा है इसको आस्वादन करने का वो आंतरिक कारण है उनके प्रकट होने का, और जो देने की उनकी इच्छा है इसी सेम चीज को, इसी वस्तु को, वो है बाहरी कारण। है दोनों सेम चीज। ओके हरे कृष्ण। थोड़ा सा अभी भी है, दोनों सेम चीज है, गोलो के लिए प्रेम हरि नाम संकीर्तन और कृष्ण प्रेम का आस्वादन, तो इसको कैसे साइमेंटेनियसली समझेंगे? थोड़ा सा लोग कंफ्यूज हो जाएंगे ना। नहीं, जो जो चीज श्री चैतन्य महाप्रभु खुद आस्वादन करना चाहते थे, तो महाप्रभु सोचे कि विचार किए कि मैं खुद अकेले क्यों इसका आस्वादन करूं, मेरे इतने सारे जो जीवात्माएं हैं जो संसार में भटक रहे हैं उनको भी ये सेम चीज मैं दूंगा। इसलिए दोनों कार्य को ध्यान में रखते हुए चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे आ गए और जो है एक फैक्ट्री खोल दिया, बाजार खोल दिया। हाँ, ऐसा समझ लीजिए कि कोई वस्तु बहुत ही अमृतमय है, तो कोई व्यक्ति उसके पास वो चीज था तो वो उसका आस्वादन करना चाहता था, लेकिन उसको लगा कि मैं अकेले क्यों इसको आस्वादन करूं, हाँ मैं अपने जितने भी बच्चे हैं उनको भी दूंगा। तो वो फिर ऐसा एक ऐसा टेबल लगा लेता है और खुद भी बैठ के खाता है और अपने बच्चों को भी परोस रहा है, उनको भी खिला रहा है। तो बच्चों को परोसना मतलब वो बाहरी कार्य हो गया, और खुद खा रहा है मतलब आंतरिक कार्य हो गया। तो इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु दोनों कार्य करके दिखाए। ओके, ये धीरे धीरे अभी जब एक हम अध्याय में जब हम ऐसे बढ़ेंगे आगे तो और इस विशेष रूप से ये और जो है हम समझ पाएंगे। अभी ये 2 अध्याय में इस चीज के बारे में चर्चा होने वाला है। हरिनाम अपने आप पे कंप्लीट है, फिर इसको यहाँ पे बाह्य कारण क्यों बोल रहे हैं? उधर प्रेम भी बोल रहे हैं, हरिनाम अपने आप कंप्लीट है, तो थोड़ा सा ये मतलब आंतरिक उद्देश्य बाह्य उद्देश्य थोड़ा ये मतलब सब कैसे क्लियर करेंगे? प्रश्न समझे आप मेरा? हाँ मैं समझ गया। तो बाहरी मैंने कारण, हाँ कैसे हाँ मैं समझ गया आपका प्रश्न, बाहरी बोल कारण बोलने, रहे हैं? हाँ मैं समझ गया। तो बाहरी कारण बोलने का आशय है कि इसे जो भौतिक जगत है वो बाहरी है, बाहर एक्सटर्नल है, तो इसलिए इन सब लोगों को बाहर, बाहरी जो जीवात्माएं हैं
उन सबको भी देने का उद्देश्य था महाप्रभु का, इसलिए आए। तो ये एक बाहरी कारण बना। और दूसरा बाहरी कारण इसलिए भी है कि ये जो है मेन मुख्य उद्देश्य श्री चैतन्य महाप्रभु का था आस्वादन करने का, इसलिए इंटरनल रीजन मुख्य कारण वो था। और साथ में चैतन्य महाप्रभु विचार किए कि जो उनके जितने भी जीवात्माएं हैं, बच्चे ही हैं उनके, जो संसार में भटक रहे हैं भगवान के प्रति प्रेम ना होने के कारण, तो उनको भी ये मिलना चाहिए, तो इसलिए उसको बाहरी कारण बोल दिया गया। या प्राइमरी सेकेंडरी रीजन से भी आप समझ सकते हैं, प्राथमिक कारण और द्वितीय कारण। तो बाहरी कारण मतलब द्वितीय कारण है, मेन प्राथमिक कारण मतलब खुद का आस्वादन करना चाहते थे। तो ये चीज आएगा अभी अगले आगे जब कविराज को हम एक्सप्लेन करेंगे तो इसका पूरा वर्णन करने वाले हैं कि ऐसा क्यों हुआ श्री चैतन्य महाप्रभु, भगवान कृष्ण को ऐसा क्या आभास हुआ कि मुझे जो है राधा रानी का भाव लेके प्रकट होना चाहिए, तो इसका पूरा कारण करने वाले हैं। जी, क्या सरल भाषा में इसमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए ना? मतलब आंतरिक बाह्य कारण में सरल भाषा में कहें तो, बल्कि हाँ, कोई टिप्पणी कहें खास तो। अंतर नहीं, वस्तु सेम है, अंतर जी इसलिए कुछ नहीं है उसमें, वस्तु सेम ही है, वही कृष्ण प्रेम है। लेकिन जब महाप्रभु आस्वादन कर रहे हैं उसको तो आंतरिक बोलते हैं, और जब बाहरी जीवों को दे रहे हैं तो बाहरी बोलते हैं। हालांकि जब श्री चैतन्य महाप्रभु उस प्रेम का आस्वादन कर रहे हैं तो वो एक नेक्स्ट लेवल पे है, वो और कोई उस लेवल पे जा नहीं सकता, कोई भी जीवात्मा या कोई भी मुक्त आत्मा कोई उस लेवल पे नहीं जा सकता, वो उनके लिए केवल रिजर्व्ड है। हम लोग जितने लेवल तक अचीव कर सकते हैं वो हमको भी दिया जाता है। ओके, हरे कृष्ण।